अहद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। हमारे अहद रमज़ान में आपने देखा इमरान अशरफ को, इमरान अशरफ को आपने एक्टिंग करते हुए देखा, इमरान अशरफ को आपने राइटिंग करते हुए देखा, आज इमरान अशरफ को किचन में भी देखा। हाँ, मुश्किल काम था ना घुमाना। आज से पहले आपने इमरान को कभी किचन में नहीं देखा, गिरा भी है वो। ये इफ्तार के बाद देखेंगे कि आपके हाथ में कितना मजा है। सर आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। अच्छा चले, मैं आपके घर का एड्रेस मुझे भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपके घर का मजे लेने आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड इंशाल्लाह ताला मुलाकात चलती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, एक्सप्रेस का बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत इस चैनल पे मैंने बहुत काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ, आजकल भी चल रहा है। एक्सप्रेस आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे जाते जाते कि मुल्क कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे। सर वो पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या प्रेसाइज, इससे बड़ी बात ही नहीं है। हम सबकी दुआ है अल्लाह पाक तुम्हें और कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे और अपनी औलाद की बहुत सारी खुशियाँ और जिंदगी आगे दिखाए। सर आप भी ऐसे ही कामयाब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों को इतना ही पसंद रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अशरफ आपको खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। आप तो टीवी पे इनको देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ जहाँ एक मेहमान गया तो हमारे तीन मेहमान और आ गए, दो मेहमान, एक तो हकीम साहब आ ही गए थे, हमारे साथ आ गए हैं अलामा जुहैर आब्दी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान शिया काउंसिल हैं, मौलाना अकबर दर साहब हैं जो कि मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल एजुकेशन, सदर मजलिस तिब्बो अदब पाकिस्तान रजिस्टर्ड, और अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब जो सरपरस्त आला हैं ममता फाउंडेशन। इनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जवेरिया की तरफ जाएंगे जो सले आला का सेगमेंट लेके हैं। जी बिल्कुल, सले आला के सेगमेंट में हमारे साथ तीन हमारे कमसन नातवा मौजूद हैं, अलीहा मिर्ज़ा उम्र 9 साल हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा हसन उम्र 12 साल, और एक बहुत ही स्पेशल हमारी बच्ची यहाँ पे मौजूद है, महक राशिद उम्र 14 साल है, जो कि पैदाइशी नाबीना है, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है जो कि हम अभी सुनेंगे। तो हमारे जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों आपा मौजूद हैं, सिद्दीक भाई हैं, असदुल हक हैं, असद अयूब हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम मुकाबला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी अलीहा मिर्ज़ा को जो कि 9 साल की हैं, तशरीफ़ लाइए और इसका नजराना पेश कीजिए। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। أنت نور الله فجرا جئت بعد عسر يسرا ربنا علىك قدرا يا إمام الأنبياء تيري يا رزو مجينا تيري جست جو میں مرنا یہی میری زندگی और जी अब मैं दावत दूंगी आयशा हसन को जिनकी उम्र है 12 साल। तुझ सा कोई नहीं
ये अपना बस दिलो यकीन के तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं नात खवानी के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ही मुश्किल नात चूज़ करके लाएँ तो शायद आप उसमें जीत जाएँ। आप बहुत आसान नात भी पढ़ सकते हैं जिन जो कि बहुत ज़्यादा, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो लेकिन आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप जीत जाएँ। और जी, अब बारी है हमारी बहुत ही प्यारी महक राशिद की। और महक, हमारी कंटेस्टेंट हैं, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है यहाँ पे। सब लोग आपको सुनने के लिए बेचैन है यहाँ पर, तो मेरा ख्याल है कि आप नात का हदिया पेश करें। तमाम ऑडियंस की तरफ से मैं इजाजत चाहती हूँ। हाँ, शुक्रिया जी, पढ़िए। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे करसता हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हमारे जजेस जो हैं, वाह वाह, जितनी देर हमारे जजेस फैसला कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सले अला का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि 18 रमज़ान तक हम 18 फाइनलिस्ट यहाँ से चुनेंगे, हर शो से जो एक बच्चा फाइनल हो रहा होगा। उसके बाद फिर हम उन बच्चों में से 6 फाइनलिस्ट चुनेंगे और फाइनली 26वें रोज़े को
हम उन सब में से एक फाइनलिस्ट चुनेंगे, जो कि वाहिद वो बच्चा या बच्ची होगा जो हमारा इनाम का हकदार होगा, और सल्ले आला जो हमारा सेगमेंट है उसका विनर होगा। अच्छा जी, हमारे पास जजेस के फैसले आ चुके हैं और इत्तेफाक से तीन जजेस ने एक ही जैसा फैसला दिया है सबके लिए, और उसमें जी नंबर वन जो ये मुकाबला जीती हैं वो हैं हमारी बहुत ही प्यारी महक राशिद, और सेकंड नंबर पे हैं अलीहा मिर्ज़ा, और थर्ड नंबर पे हैं आयशा हसन। बहुत सही तालियां बच्चों के लिए भी, और जामी शरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं बच्चों के साथ जाएंगे, हिबा लाइफ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो बच्चों के साथ जाएंगे, और हमारी महक के लिए जो है वो एक हमारी तरफ से एक और गिफ्ट हैम्पर है, मलका फूड्स की तरफ से फूड फैक्ट्री है जो इनके साथ जाएगी। तो मलका कैसा लग रहा है आपको, ज़रा थोड़ी सी मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। महक सॉरी, हाँ मलका फूड मुझे मलका, कोई बात नहीं, हो जाता है लाइफ शो में हो जाता है। महक कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप जीत जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था? नहीं। लेकिन जब आपने नात पढ़ी है तो जजेस को ऐसा ही लगा कि आप ही जीती हैं, और वाकई आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी। हमारी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है वो भी बहुत माशाल्लाह अच्छे सुनने वाले लोग हैं, वो भी फैसला कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा, और बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह से। तो जी ये गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी तीनों बच्चियों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, और ख़ासतौर पे एक बच्ची ने अरबी कलाम के भी तलफ़ुज़ की अदायगी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये आयशा के लिए प्रोफेसर इकबाल अजीम ने क्या खूब शेर कहा है कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आप सबको हुदाफ़िज़, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ऐद रमज़ान से मैं इस वक्त इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ऐद रमज़ान। और हकीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया खामोश बैठने का। हकीम साहब ये जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इजाज़त चाहूँगी, आगे जो सिलसिला है वो इमरान आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिएगा ऐद रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सऊद कासमी, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना इसको जारी है, ट्रांसमिशन भी चल रही है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अब मैं किधर पहुँचा हूँ, तो जिस जगह पर मैं पहुँचा हूँ इधर आके मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को उन खुश नसीबों में समझता हूँ कि जो इस मुकाम पर आके खड़े हुए, क्योंकि इस मकाम की जो अहमियत है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस जगह का नाम बताऊंगा, इस जगह का नाम है जबले सिला। जी जबले सिला, जबले सिला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दौरान इसी मकाम पर क़याम फरमाया था। कितनी खुश नसीब ये पहाड़ियाँ हैं, ये फिज़ाएँ हैं, ये जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए। गो कि आपका क़याम आर्जी था लेकिन आप यहाँ पे मौजूद थे।
साहबा इकराम यहाँ पर आपके साथ मौजूद थे, यही वो जगह है जहाँ पर आपने कुफार से मुकाबले के लिए सफ बंदी की। बहुत से साहबा इकराम आपके पास आते थे, आपका चेहरा मुबारक देखकर उनके दिल को सुकून पहुँच जाता था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, 1400 साल पहले ये पहाड़, ये मंजर, क्या लम्हात होंगे जब मेरे आका ने यहाँ पर अपना क़याम किया होगा। ये क्या मंजर होगा, क्या लम्हात होंगे इस जगह के। यकीन जानिए कि अभी मैं दो कदम पहाड़ी के थोड़े से हिस्से पे आया हूँ, मेरी सांस फूल गई, मैं थक गया, मेरा गो कि मेरा जज्बा मजबूत था, लेकिन यकीन जानिए ये वो मकाम है। यहाँ पर आके मुझे एहसास हुआ कि हमारे साहबा इकराम और ये सब किस तरह से, कितनी परेशानी से, कितनी मुश्किलात से गुजरते होंगे, जाते होंगे। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ पे आपकी जानिसार नामोस इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार थे, खंदक खोद रहे थे। गर्मी, तपती हुई रेत, गर्म हवाओं के चक्कर और मदीना में कहर साली भी थी। खंदक खोदते खोदते एक ऐसी चट्टान राह में आ गई जो खुद नहीं रही थी। हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाल उठाया जबकि उनके पेट पर पत्थर भी बंधे हुए थे। आप उस चट्टान की तरफ गए और जाके एक ज़र्ब लगाई। जब ज़र्ब लगाई तो अल्लाह ताला अपने नबी पाक को अकेला कैसे छोड़ता, वो तो अल्लाह का आखिरी पैगाम लेकर इस दुनिया में आए थे, अल्लाह ने उनका साथ देना था। ऐस जबले सलाह गवाह रहना जा निसारे मोहम्मद पर आने वाली मुश्किलात जो उन्होंने बर्दाश्त की, भूख और तकलीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन राह हक पर साबित कदम रहे। बस फिर क्या था, रहमत बारी की ताईद आती है और हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर ज़र्ब लगाते हैं तो एक चिंगारी आती है। उस चिंगारी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि रोम फतह हो गया है। फिर दूसरी ज़र्ब लगाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ईरान फतह हो गया है। नाज़रीन, ये ख़बर सुन के साहबे कराम भूख और प्यास भूल कर तकबीर आवाज़ बुलंद करने लगे, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और सच बात की थी और यकीनन हक और सच की बात ही की है उन्होंने। नाज़रीन, ये वही मकाम है जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के लिए दुआ फरमाई और फिर मेरे रब को ऐसा जलाल आया कि कुफार मक्का उल्टे पैर भागे और फिर पलट कर कभी जंग के लिए वापस नहीं आए। और ये पहाड़, जबले पहाड़ गवाही देते हैं उस अजीम फतह की जो यहाँ पर हुई। नाज़रीन, जिस मकाम में मैं खड़ा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ये किस्सा सुनाया, यकीनन आप सुनकर महसूस तो हुए होंगे और आपका एहसास भी होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, कैसी तकालीफ उठाई, कैसी परेशानियाँ उठाई। अल्लाह ताला हम सबको उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अहद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। जाने से पहले आपने देखा कि सऊद कासमी साहब ने ज़ियारात के सेगमेंट में हमें जबले सला की ज़ियारत कराई। ये वो मकाम है जहाँ ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा मुबारक नस्ब किया और यहाँ पे एक मस्जिद भी है। हमारे साथ उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं मरकज़े दो जहाँ में। ये वो सेगमेंट है जिसमें आप अपने जहन में आने वाले तमाम सवालात, तमाम मसलों के हल और सवालात के जवाब जो हैं हमारे उलमा इकराम से चाहते हैं और आपको मिलते भी हैं। कल सिलसिला एक जगह पे मुनक़ता हो गया था और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ से इसको शुरू करें और उसके बाद हम आपके सवालों जवाब की तरफ आएंगे, जो कि व्हाट्सएप पे भी आए हुए हैं, जो कि हमारे साथ जो ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी होंगे, कॉलर्स की तरफ से भी आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको दोबारा से सवाल अपना दोहराता चलूँ,
कि हालात अब इस तरह के हैं कि आजकल जितने जो नौ ब्याह जितने भी जोड़े हैं, या मैंने तो देखा है कि काफ़ी अरसे तक जिनकी शादियां हो गई हैं, पाँच पाँच दस दस साल के बाद भी, इतनी लंबी रिफाकत के बाद भी अचानक जोड़े में से किसी को भी ख्याल आता है कि अब ये सिलसिला आगे नहीं चल सकता और तलाक़ें हो रही हैं। जो एक अनसक्सेसफुल मैरिजेस का जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। पहले हम देखते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे या वालदैन थे या और जो रिश्तेदार जो जितने भी हमारे ख़ानदान में लोग देखते हैं, तो वो उन्होंने अच्छे बुरे हर तरह के हालात से गुजर के रिश्तों को निभाया। लेकिन अब ये रिश्तों के निभाने की जो टेंडेंसी है, ये नई जो जनरेशन है इसमें बहुत कम है। मैं इसकी तरफ आऊँगा कि वो कौन सा पॉइंट होता है कि जब लड़की या लड़का ये डिसाइड करे कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता या मुझे तलाक ले लेनी चाहिए, क्योंकि तलाक कुछ भी हो एक नापसंदीदा अमल तो है ही अल्लाह की नज़रों में, लेकिन हराम भी नहीं है। और ये ऐसे ही मौक़ों के लिए है जब आपको लगे कि ये सिलसिला जो है, ये जो अज़्वाजी जो ताल्लुक़ है, ये अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। किस पॉइंट पे आके लड़की ये डिसाइड कर सकती है या लड़का सोच सकता है कि बस अब नहीं? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लड़की को अपना जीवन साथी, मैं लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट में बात करूँगी, अक्सर हमारे यहाँ ये पहलू जो है ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता कि लड़की को अगर अपना जो शौहर है वो उसकी शख्सियत ही नहीं पसंद, या वो उसको दिल से चाहती ही नहीं है, या उसको उससे कोई उन्स महसूस नहीं होता, तो क्या वो फिर भी निभाती रहे, या उसकी आदत से वो राज़ी नहीं है, या उसकी शख्सियत उसको, या उसको एक सर्टन उसकी ये चीज़ें हैं कि भाई मुझे इसकी आदत नहीं पसंद कि वो कोई हराम काम की बात नहीं कर रहा कि वो शराब पीता है या वो जुआ खेलता है, जनरली उसको पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो एक नफसियाती बोझ भी है कि उसके साथ कंटिन्यू करना ज़िंदगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो वन ऑफ दी सिचुएशंस है ना जो आपने आखिर में सवाल किया। असल सिचुएशन तो ये है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों में पाकिस्तान में तलाक का ये जो रेशो है ये इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है ना वो आगे बढ़ा है कि यानी हम दम बखुद हैं अपनी जगह। हमने कोई 2-3 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसी तलाक के अपना बढ़ती हुई रफ्तार के हवाले से, तो इतने तबाहकुन किस्म के हकायक हमारे सामने आए कि हम तो यानी दांतों में उंगलियां दबा के रह गए। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इख्तसार के साथ मैं कुछ में हकायक सामने रखना चाहता हूँ, कुछ इनके असरात सामने रखना चाहता हूँ, कुछ असबाब और कुछ नतायज। ये थोड़ी सी मुझे 2-3 मिनट मैं बस चाह रहा हूँ क्योंकि सवाल मेरे यहाँ पास बहुत हैं कि शरई एतबार से वो शरई एतबार से जी देखेंगे, जब तक आपके साथ कोई ख़ास जुल्म नहीं होता, आपके हुकूक़ की अदायगी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, आपके साथ कोई ऐसी ज्यादती के जिसका इजाला मुमकिन नहीं है, यानी ज्यादती और इसका इजाला नामुमकिन हो। क्यों? कि कुरान करीम ने यह कहा है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो मियाँ और बीवी दोनों के घरों से एक एक दो बंदे जाएं और सुलह की कोशिश करें, बल्कि साथ में एक गारंटी भी दी है कि इन अरादा इस्लाहन युवफ़िकल्लाहु बैनहुमा, कि अगर ये अच्छी नीयत के साथ जाएंगे, सुलह कराने की नीयत से जाएंगे, नीयत से ही होगी तो अल्लाह पाक इनके दरमियान में कोई सुलह की सूरत पैदा भी फरमा देंगे। तो ये जो बग़ैर वजह के अब यानी ऐसे भी सुनने में केसेस आ रहे हैं कि जी मतलब चूँकि अपना मैं बोर हो गई थी इसलिए मैंने तलाक ले ली, आपके भी सुनने में ऐसी बातें आई होंगी। अभी एक हफ्ता पहले एक खातून मेरे पास अमेरिका से तशरीफ लाई, दो केसेस थे उनके, दो मसाइल थे जिनमें से एक मसला उनकी बेटी का था। वो कहती है कि 9 साल हो गए शादी को, 9 साल से खामिन के साथ नॉर्मल ताल्लुकात तो चलो ठीक हैं, लेकिन वो इस इंतज़ार में थी कि मुझे कोई और लड़का मिले, यानी शादी की हुई है क्या? और वो इस इंतज़ार में है कि मुझे कोई और लड़का जब भी मिल जाएगा जो मुझे पसंद होगा तो मैं इसे। अब कहते हैं कि 6 महीने हुए हैं इससे, मेरी बेटी को कहते हैं कि मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, उस खामिन ने दिन रात एक किया, पैसा लगाया, वक्त सत किया, इलाज करवाया, उसी दौरान में उसकी किसी लड़के से मुलाकात हुई, वो लड़का उसे भा गया, अब उसने अपने खामिन से कह दिया है कि जी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैंने तुझसे तलाक लेनी है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। वजह क्या है कि हमारे निज़ाम तरबियत का ऐसा बुरा फुकदान है कि हमारे यहाँ जो इस्लामी तरबियत थी, जो हमें सब्र सिखाती थी, सब्र हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका, जो हमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का हौसला सिखाती थी, वो बर्दाश्त का हौसला हमसे छीन लिया गया, ज़बरदस्ती छीन लिया गया, हमारे अंदर जल्दबाजी पैदा की गई, हमें फौरी नतीजे का। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था तो एक मैसेज आया कि जी मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बतलाएं कि दुआ फौरी कबूल हो जाए।
यानी हम अल्लाह पाक को भी फौरी दुआ को भी यानी बाउंड करना चाह रहे हैं। मिजाजों में इतनी तेजी आ गई, इश्तेहाल भी इतना ज्यादा कि बात हुई या नहीं हुई है, आपने ये कप यहाँ क्यों रख दिया, आपने मेरे मेकअप को सामान के सामान को टॉलरेंस खत्म हो गई, टॉलरेंस खत्म हो। अच्छा, वो एक दुआ जो आपने कल बताई थी एक दफा फिर बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं उस दुआ के लिए। मुझे आप जल्दी से एक वो दुआ जो आपने, मैं भी कहूंगा जल्दी से क्योंकि टाइम हमारे पास भी थोड़ा सा कम है। आपने कल एक दुआ बताई थी कि अगर किसी का घर टूट रहा हो जी तो वो कौन सी सूरह बकरा की बताई थी, आज वो दोबारा बतला के एक और भी आप आज का तोहफा देना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं रोज़ाना एक तोहफा अपने नाज़रीन को दे दिया करूं। मैंने कल ये अर्ज़ किया था कि अगर कोई ख़ानदान टूट रहा हो, ख़ा वो मियाँ बीवी का मामला टूट रहा हो या बहनों भाइयों में कोई तफरीक आ गई हो, तो उस तफरीकी मुसीबत से जान बचाने के लिए अल्लाह पाक की किताब का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 और 103। 102 आयत का मैं थोड़ा सा आगाज़ में तिलावत कर देता हूँ ताकि पढ़ने वालों को आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा ततरु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू, यानी दो बार इस आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आता है, इस निशाने को याद रखें। ये आयत 21 बार सुबह 21 बार शाम को पढ़ के अपने आप को भी दम कर लें, और जो दूसरा फरीक है, आपका शोहर है, आपकी बीवी है, आपकी बहन, आपका भाई है, गायबाना तौर पर उसको भी दम कर लें। ये ऐसा हो सकता है कि आप मतलब अगर कोई माँ हो वो अपनी बेटी के लिए पढ़ सके? हाँ, वो भी पढ़ सकती है, यानी बेटी और उसके शोहर के दरमियान अगर मसला है तो वालदा अपनी बेटी का घर बचाने के लिए, भाई अपने बहन का घर बचाने के लिए, यानी घर का कोई और आदमी भी पढ़ सकता है तो उसका भी फायदा होगा। लेकिन खुद अल्लाह से जो मांगा जाए वो तो मतलब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल किया गया, जो तमाम बड़े अकाबिर से होता है, कि इसमें आज़म क्या है, या अल्लाह इसमें आज़म है, या हय्यू या क़य्यूम इसमें आज़म है, या लतीफ़ इसमें आज़म है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह पाक के तो सारे अस्माए हुस्ना इसमें आज़म हैं ही, लेकिन वो हकीकी इसमें आज़म के जिसके हाँ दुआ के मुस्तजाब होने में ज़रा भी शक व शुबा ना रहे, वो क्या है, वो बजाय इसके कि आप अस्माए खुदाबंदी में ढूँढें, आयात कुरानी में ढूँढें, वो इसमें आज़म इंसान की इज़्तिरारी कैफियत है। जब बंदा बेबस हो जाता है, चारों तरफ से मायूस हो जाता है, सारे आसरे छूट जाते हैं, तो जब उसे ये एहसास होता है कि सिवाय अल्लाह के कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, उस कैफियत में अल्लाह को जिस नाम से पुकारो वही इसमें आज़म है। इसमें जनाब हमारे ऑडियंस भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल हम चाहेंगे कि अगर वो करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ मेरे पास सवाल आता है, क्या लड़कियाँ कब्रिस्तान जा सकती हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, वजाहत फरमाइए। कहाँ से अकबर साहब, क्या लड़कियां कब्रिस्तान जा सकती हैं और शरीयत में इसका क्या हुक्म है, लड़कियों का कब्रिस्तान जाना? देखिए, ख्वातीन को कब्रिस्तान जाने के लिए पाबंदी तो नहीं है, शरण उनको जो है वो कोई ममानियत नहीं रखी गई, लेकिन उसमें यह है कि वहाँ नापसंदीदा अनासर का की आमाजगा, चूँकि अब कब्रिस्तानों के इलाके जो है वो बन गए हैं, इस वजह से कोई उनको गजन ना पहुंचाए, कोई उनको तकलीफ ना पहुंचाए, अगर वो अपने महरम के साथ है, किसी बड़े के साथ जाएं और उसमें महफूज, जैसे बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने कब्रिस्तान जो है वो मखसूस होते हैं, जहां उनके जो है वो तमाम तर जो है वो हिफाजती इंतज़ाम भी होते हैं, तो जाने में ममानियत नहीं है। और लेकिन यह है कि इस बात का ज़रूर जो है वो इत्मीनान कर लें कि वहाँ जाने के बाद जो है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। जी जोहर साहब, आप यही कहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, वक्त तदफीन मकरू है, वैसे जाया जा सकता है, जाया जा सकता है, क्योंकि हमारे तो पास एक ये होता है कि कब्र जो है कोई निशानी होती है जाने वाले की, तो उसके पास जाके और कैसे हो सकता है कि हमारा मज़हब जो है वो इस इमोशंस और जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ कोई, क्योंकि लड़की या खातून या जो फीमेल्स होती हैं उनकी भी कोई। जी, ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, नाम? सवाल ये है कि अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया हुआ है हमसे, आपकी आवाज़ एक तो बहुत कम आ रही है, माइक करीब करिए। किसी शख्स ने कर्ज लिया हुआ है हमसे और वो कर्ज वापस करने की पोजीशन में नहीं है, तो हम उसको क्या ज़कात की? ये सवाल तो पहले हो चुका है, इस सवाल का जवाब पहले यहाँ हो चुका है, बेहतर है कि ये कोई और दूसरा सवाल यहाँ कोई और पूछे। एग्जैक्टली सवाल पहले ये थोड़ा डिफरेंट सवाल कर लेना।
वही ज़कात वाला, क्या मुझे ज़कात में माफ़ कर सकते हैं? लेने के वाले से था, ये देने के वाले से है। अच्छा हाँ, पूछ ले शायद सवाल इनके। अच्छा जी, दोबारा पूछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि एक माँ जो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए सामान जमा करती है, क्या उस पर ज़कात देना फ़र्ज है? अच्छा, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान जमा करती है, तो क्या उस पर ज़कात? जहेज का सामान तो उसकी ज़ाती मिल्कियत ही नहीं है कि जिस पर वो ज़कात देगी, वो तो बेटी का हुआ ना, वो तो माँ का है ही नहीं। हमारे यहाँ ज़कात के मसले में काफ़ी इख्तिलात सा हो जाता है, खलते मबस हो जाता है। बेटी 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 की मिल्कियत है, बेटी की मिल्कियत अगर होगी तो उस पर ज़कात। साल गुजरा नहीं है, साल गुजरेगा तब मिल्कियत उसकी हुई भी नहीं पूरी तरह, वो तो दरमियान में ही है मुझे। और हाँ, दूसरा ये कि जहेज के लिए इतना लंबा चौड़ा सामान जमा करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस पर ज़कात फर्ज हो जाए। अच्छा, लेकिन गोल्ड जहेज ही से हमें जान छुड़ानी चाहिए ना। हाँ, लेकिन सोना तो जेवर तो माँ रखती ही है बच्चे के लिए, तो वो बेटी के जिम्मे होगा, माँ के जिम्मे नहीं होगा। बेटी के जिम्मे तब होगा जब शादी करके चली जाएगी, दे देंगे जो आप देंगी उसे। अच्छा, वो भी साल गुजरने के बाद। जी, हमारे पास एक कॉलर है उस्मान कराची से। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान जी, मैं मोहम्मद उस्मान गनी बात कर रहा हूँ और मैं बैनुल अक्वामी ताल्लुकात का तालिबे इल्म हूँ। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है 21वीं सदी में, तो आज हम देखते हैं कि हमारे ऊपर दाढ़ी रखना फर्ज है, फर्ज करार दिया गया है या वाजिब कहा जाता है, और इस पर भी इख्तलाफ है और मुख्तलिफ उलमा और मकादिर फिक्र के लोग कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि फर्ज वाजिब है, कुछ कहते हैं कि ना भी रखे, जो फलसफा ज्यादा लोग और कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि ना भी रखी जाए तो तब भी कोई ऐसा हर्ज नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उलमा कराम की बारगाह में सवाल कि आज 21वीं सदी में हमारे मुस्लिम नौजवान को दाढ़ी रखनी चाहिए तो वो ये अपने ऊपर फर्ज क्यों नहीं समझता, और कितनी ज्यादा जरूरत है कि उलमा दोबारा इसको मौजूद बहस बनाएं और नौजवानों को ताकीद करें कि वो ये मुसलमानों का तरीका कार अपनाएं। जी, सवाल आपका कन्वे हो गया, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाएंगे। स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप एक नंबर है वो भी डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप देखिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपका जवाब हम यहाँ उलमा इकराम से फौरन जितना भी जल्दी हो सके, अगर हमारे पास वो टाइम हुआ तो उसका जवाब आपको ज़रूर लेकर देंगे। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं और आपके सवाल का जवाब उस्मान हम यहीं मौलवी साहब हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे लेंगे। जनाब, बहते रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदे। जाने से पहले एक सवाल कराची से उस्मान ने गालिबन पूछा था, और सवाल ये था कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, और अगर फ़र्ज़ है तो फिर हम इस चीज़ पे क्यों स्ट्रेस नहीं देते या बच्चों को क्यों नहीं बताते कि दाढ़ी रखना ज़रूरी है, और फिर हम और ख़ास तौर पर दाढ़ी के भी जो अब मुख्तलिफ तरह के दाढ़ी के जो ख़त बना होता है और दाढ़ी के स्टाइल डिफरेंट हैं, दाढ़ी की क्या लेंथ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब दाढ़ी आजकल मैं बहुत ही आम जबान में कहूँगा कि दाढ़ी भी बाज़ जगह फैशन में आ गई है और उसके बड़े पैटर्न्स बने हुए होते हैं, और वो क्या वो दाढ़ी जो है वो वही दाढ़ी है जिसका जिक्र है और जो हम पे वाजिब है और फ़र्ज़ है? तो ज़रा प्लीज़ एक एक करके मैं सबसे सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, दाढ़ी का रखना जो है वो सुन्नत है, सुन्नत है, और तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम उनकी ये सुन्नत जो है वो हुजूर ने भी अपनाई और अपनी उम्मत को उसकी तालीम भी दी। जो शरई एतबार से दाढ़ी का तसव्वुर है वो एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए, यानी ये आपकी पूरी यहाँ से आ जाए। उसके बाद ये है कि दाढ़ी जो है वो जैसे उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के माना में नहीं बल्कि सुन्नत है, लेकिन तमाम अम्बिया किराम की लाजमी सुन्नत है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शख्स दाढ़ी नहीं रखे उसको फासिक करार दिया है। फासिक के माने होते हैं नाफरमान के,
तो अगर उनकी नाफरमानी न की जाए तो वो बेहतर है। और इसका एक आप देखेंगे ये तमाम मजाहिब के जितने बड़े बड़े आप उनके उलमा भी होते हैं तो वो उन मजाहिब में भी जो है वो दाढ़ी का रखना आप देखेंगे उसी तरीके से जो है वो दाढ़ी का जो ये आजकल एक डिज़ाइन और ख़त और ये जो बना हुआ होता है और आजकल अरब में तो ख़ास तौर पर अरब जो नए फैशन है लड़कों अरब करें अजम करें आज के दौर के करें आज के बाद वाले करें आज से पहले वाले करें ये सुन्नत के साथ बहुत बड़ा तमस्कुर है और इंतहाई हद तक आमेज और तोहीन आमेज सलूक है। हजरत ने जो फरमाया सुन्नत है तो सुन्नत इस माना नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया इसलिए आपकी सुन्नत है, लेकिन इसका शरी हुक्म जो है ना वो वाजिब का है। सवाल करने वाले उस्मान साहब ने जो पूछा ना ये फ़र्ज़ है वाजिब है ये सुन्नत है, तो मेरा जवाब ये है कि फ़र्ज़ भी है वाजिब भी है सुन्नत भी है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होने के नाते सुन्नत और शरी हुक्म होने के नाते वाजिब, और वाजिब और फ़र्ज़ अमली तौर पर बराबर होते हैं, एतिकादी तौर पर इनमें फ़र्क होता है कि वाजिब के मुनकर को काफिर नहीं कह सकते, फ़र्ज़ का मुनकर जैसे नमाज का मुनकर है तो वो काफिर हो जाता है। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुश्तरक सुन्नत भी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर भी है, वाफुल्लुहा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। और दुनिया में दो कौमें हैं जो अपने मज़हब के एतबार से दाढ़ी के ऊपर साबित कदम हैं, एक हमारे हिंदुस्तान के सिख और इसराइल के यहूदी। यहूदी भी सरे आम दाढ़ी रख रहे हैं और खुले आम दाढ़ी रख रहे हैं, उन्हें कोई इसमें हिचकिचाहट और शर्म महसूस नहीं होती। सिख भी रख रहे हैं धड़ल्ले से रख रहे हैं, उन्हें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। हमें अपने रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए पता नहीं क्यों हिचकिचाहट महसूस होती है। और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं मोहम्मद हबीब बात कर रहा हूँ ये कराची से। मुझे उलमाए कराम से सवाल पूछना था। पूछे जी, जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए आप जी। मैं ये पूछना चाह रहा था उलमाए कराम से कि अगर गुस्ल को उसके तमाम तर लवाजमात के साथ अदा कर लिया जाए तो क्या नमाज के लिए अलग से वुजू की हाजत रहती है या वो गुस्ल ही वुजू के टाइम मकाम हो जाता है? जी मैं जहर आप हिसाब से शुरू करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत देर से बैठा था और बहुत कुछ सवाल थे, ख़ास तौर से जहेज़ के मामले में जो एक बात कही थी उसमें ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ जो कभी भी नहीं कही जाती और न उसकी तरफ तवज्जो जाती है। ये बहुत कहा जाता है कि जनाब सैदा का जो जहेज़ था वह बड़ा सादा था और बहुत सादा था, लिहाजा सादा जहेज़ होना चाहिए, बहुत सादा जहेज़ था, बहुत गुफ्तगू होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये जहेज जनाब सैदा का जनाब सैदा के पैसों से नहीं आया था। बिल्कुल ना रसूल अल्लाह के पैसों से आया था। बिल्कुल ये हजरत अली के पैसों से आया था जहेज। अच्छा ये लड़की की तरफ से जहेज की रस्म कहाँ से चली है मुझे नहीं मालूम, यानी ये है ही नहीं। सो इसको माँ बाप अपनी खुशी से अगर बच्ची को उनके दिल का टुकड़ा होता है तो वो ये तो एक खुशी से आप देते हैं, देते रहें, साल भर देते रहें, जिंदगी भर देते रहें, मौाकों पे आते हैं आप देते रहें, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो जहेज है जो लड़के की तरफ से डिमांड होती है, लड़की की फैमिली डिमांड, ये जो कहा जाता है कि सुन्नत है कि सादा जहेज नहीं है। अच्छा नहीं है जहेज, ये जहेज मर्द का है, हजरत अली की जिरह बेचकर जहेज खरीदा गया है। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये औरत के पैसे से नहीं आया, ये रस्म अच्छा, गलत है। अच्छा ये बिल्कुल उलट रस्म है जो नहीं बताई जाती। सही। दूसरी चीज जो बात हो रही थी असल में वो इख्तलाफ की एक ही जुमला में कह दूं तो बहुत ज्यादा है तलाक के मसाइल जैसे कि मौलाना ने फरमाया। असल एक मसला यह है कि कफ का जो लफ्ज है उसकी तारीफ नहीं लोग जानते। यहाँ कहा है ना कि अपने कफ में शादी करो, अपने बराबर में शादी करो। ये बराबर से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि दौलत के मर्तबे से बराबर हो या शोहरत के मर्तबे से बराबर हो या मैं आपकी सोच और आपकी ज़हनी सतह के बराबर होनी चाहिए। इसको ये है कफ कि आपकी ज़हनी आमांगी उसके साथ कितनी है, आपकी सोच क्या है, आपकी फिक्र क्या है। तो ये तो आपको शादी के बाद ही बाद एक्सप्लोर होता है ना, बाद सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये आप शादी से पहले भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो पता चल जाते हैं। अच्छा इस तरह अभी अगले सवाल की तरफ आएंगे, पहले हम इस वाले सवाल का जवाब हम क्योंकि एक किसी ने ये भी पूछा है मुझसे व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेरे पास फॉरवर्ड होकर आती हैं कि क्या लड़की जो है वो अपने शौहर से शादी से पहले मैसेजेस पर बात कर सकती है अगर मिल ना सके तो, ये कम्युनिकेशन का जरिया कोई और? ये मैं समझता हूँ कि ये हाँ ये भी एक बात जहन में रहे कि इस्लाम ने शादी से पहले
गुफ्तगू को मना नहीं किया, बिल्कुल नहीं मना किया, मर्जी को मना नहीं किया। हमारी यहाँ मर्जी नहीं, जो जो इन अब तो दो हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा तो ये हो गया कि जी वो लव मैरिज हो गई, बाहर से जाके वो हो गई, वो माँ बाप से नहीं पूछते, और दूसरा हिस्सा वो कि माँ बाप ने तय कर दी, वो लड़के लड़की से नहीं पूछते। हालांकि हमारी यहाँ शरीयत में ये है कि आप लड़की से उसकी मर्जी से पूछें, उसे मालूम करें कि आया वो इस पर राजी है या नहीं, नहीं, नहीं वो तो मर्जी की बात है ना, लेकिन वो अपने होने वाले शौहर से कम्युनिकेट करना उसका जो है वो कर सकती है, किसी और फ़ोन पे बात कर सकती है, मैसेज कर सकती है, या मिले नहीं बेशक, लेकिन क्योंकि पता नहीं कि वो आगे उसका शौहर होता भी है कि नहीं होता, लेकिन बापर्दा होकर बात करने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। हम सवाल की तरफ आएंगे जो फ़ोन पे हमारा था कि है, बल्कि ये मिसालें मौजूद हैं कि बापर्दा होकर गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू मिल भी सकती, मुलाकात भी कर सकती है। जैसे आप बैठे हैं, अगर फैमिली बैठी है, बापर्दा खातून को सवाल अपने उसमें पर्दे में हिजाब में है, वो अगर सवाल कोई करना चाहे या लड़का कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता। अच्छा, जो सवाल हमारा फ़ोन पे था कि अगर गुसल के वो सारे के सारे जो उसके जी अगर गुसल करने के बाद वुज़ू करना, एक तो है नहाना, एक है गुसल। अगर गुसल किया जा रहा है तो फिर पाकीज़गी के लिए तो उसमें वुज़ू की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाथी के पाँव में सबका पाँव, वुज़ू एक छोटा जुज है, गुसल एक बड़ी चीज़ है, उसमें वुज़ू ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद कोई बिल्कुल यही है कि गुसल का जो है वो दरअसल तीन फराइज हैं, और वो तीन फराइज में एक तो मुंह में पानी ऐसे पहुंचाना कि उसको जो है गरारे आप कर लें, और उसके बाद नाक में नर्म हड्डी तक पानी का पहुंचा देना, और पूरे जिस्म पर जो है वो पानी का बहाना। तो अब ये इसमें आदाए वुजू जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो तर हो जाते हैं, और इसलिए जो शरई तौर पर गुसल किया जाता है वो गुसल जो है वो उससे बगैर किसी कराहियत के नमाज पढ़ी जा सकती है, और नमाज के लिए उसमें कोई ममानियत नहीं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? सर, मुस्ताद संजामी खुशाब से बात कर रहा हूं। खुशाब से? सर, मुझे आपका शो बहुत पसंद है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जामी साहब। और मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग घर में छिपकलियों को मार देते हैं। छिपकली? हाँ। तो इसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? छिपकली के बारे में इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, या क्या इसके बारे में शरीयत हुक्म देती है? अच्छा, मैं जी जहरीला जानवर है, अगर वो जहरीला जानवर है तो छिपकली, पहले तो मुझे बताइए कि जहरीला जानवर है? एक जहरीला जानवर है, जानवर है, और मुझी जानवर को मारना जो है वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत से लोग हैं कि वो उसके लिए कुछ ऐसे ज़राए अख्तियार कर लेते हैं, जैसे अंडे का छिलका है वो अगर रख दिया जाए तो छिपकली उसके करीब नहीं आती है या उस जगह पर नहीं आती है, तो ऐसी यानी खामखा जो है वो चींटी को भी मारना जो है वो मुनासिब नहीं होता। पता नहीं जहरीली है कि नहीं, इसलिए कि छिपकली तो ये जो फारिस में तो खा लेते हैं वो लोग, वो देखें वो तो सांप भी खाते हैं, उसमें जहर निकाल देते हैं उसका। हाँ। इसी तरीके से इसको भी जो है वो प्रोसेस करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर छिपकली किसी खाने पीने की चीज़ में चली जाए, जैसे दही का वो है, जमा रहे हैं आप दही, उसमें छिपकली आ गई। एक वाकया यहाँ गुजरा है कराची ही में कि एक दही वाला जो है वो दही फरोख्त कर रहा था, उसने जो है वो लस्सी बनाकर लोगों को दी, दो तीन अफराद जो है उससे वो उसी वक्त एक्सपायर हो गए। उसने कहा कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, मैं अपने बेटे को पिलाता हूँ, बेटे को पिलाया वो भी एक्सपायर हो गया, तो मालूम हुआ बाद में कि उसके अंदर छिपकली थी। तो ये इतना जहर उसका होता है। कुछ अजीब सा सोच के ही कुछ अजीब मतली सी आने लगी। अच्छा, क्या हमारे साथ ऑडियंस है जो सवाल करना चाहेंगे, लेकिन बस व्हाट्सएप पे भी इतने सवालात जमा हो गए हैं, इतने सवालात जमा हो गए हैं कि हमारे ख्याल है पूरा भाई साहब पिछले दिनों में जरा बहुत कम रहा, बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में जो है ना। जी, कहाँ से आवाज आई? सवाल करना है, कहाँ से आवाज आई? हाँ जी, मुझे ये सवाल करना है कि जिन औरतों के महरम नहीं होते वो उम्रे और ज़ियारतों पे जाना चाहती हैं, और किस क्या है उनके लिए हुक्म है? अच्छा, वो ज़ियारत पे जाना चाहती हैं और जाना चाहती हैं, हयात नहीं है या महरम नहीं है उनके, तो क्या है? हाँ, तो उस उम्र पे जाने के लिए देखें,
जो इसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ जो है वो राय है। तो अहले सुन्नत जो चाहे वो देवबंद उससे ताल्लुक़ हो या बरेली मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, तो इन दोनों के यहाँ यही है कि महरम का होना ज़रूरी है, और अगर वो महरम नहीं है तो फिर वो यहीं बैठकर जो इबादत करे वो अल्लाह ताला उसको वही अजर। और झूठ बोल के जो महरम को लेके जाते हैं जी, वो तो खैर डेफिनेटली। मैं अभी हज़रत की बात पे थोड़ा सा इजाफा करूँ कि देखें, उमरा महज नफली इबादत है, सिर्फ नफली इबादत है, ये फ़र्ज वाजिब दर्ज। लेकिन ये एक जज्बाती इबादत भी तो है। जज्बाती ज़रूर है, तो जज्बात में हमें सबसे पहले, अगर जज्बात का ताल्लुक है शरी काम के साथ, एक है हमारे ज़ाती जज्बात है घरेलू मामलात में अपनी ज़ाती पसंद नापसंद में, शरी काम को अगर हमने फ़र्ज़ कर लेंगे जज्बाती भी बना लिया, तो क्या उसमें हम शरी हदूद को पायमाल करके हम उस शरी इबादत को बजा लाएंगे? हाँ, तो वो इबादत कहाँ इबादत रहेगी जिसमें हम लेकिन पहले किसी अल्लाह की जिंदगी में कोई महरम है ही नहीं और वो वैसे ही एक दुखी दिल खातून है या घर बैठे अल्लाह पहले ये दुख है कि अल्लाह पाक महरम नहीं है लेकिन रोजा नफी पे जाना चाहता है, डबल अजर अता फरमाएंगे उसकी हसरत की बिना पर कि ये बंदा चाहता है या ये खातून चाहती है, चाहने के बावजूद चूंकि इस महरूमी की वजह से ये उमरा नहीं कर पा रही, हो सकता है कि उसे हर साल यानी 365 उम्रों का सवाब मिल जाए, हो सकता है कि महरम ही नसीब हो जाए, ये तो हो सकता है। जी हमारे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बग़ैर महरम के भी बापरदा होकर उमरा हज वगैरह जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जनाब, अच्छा एक व्हाट्सएप पे मेरे पास सवाल आया कि एक भाई हैं जिनका नाम है जुल्फ़िकार, उनको वो कह रहे हैं कि कहीं गोली लग गई थी जिसकी वजह से उनकी यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, उनको कैथीटर लगा हुआ है। अच्छा, इस हालत में वो नौकरी भी नहीं कर सकते, तो क्या रोज़ा रख सकते हैं? और अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो वो उस रोज़े का जो फ़दिया होता है वो किस तरह देंगे? हाँ, इसमें क्या शुरू में क्या आपने कैथेटर है उनके वो जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम अच्छा, है यूरिनेशन। लेकिन उसमें शरीयत एक उसूल देती है और कुरान करीम में है कि मन तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि एक शख्स है हालत इस्तिरार में, मजबूरी की हालत में, तो मजबूर शख्स है, अब उसकी ये मजबूरी है कि उसको जो है वो यूरिनरी बैग लगा हुआ है, अब ऐसी सूरत में वो नमाज भी अदा कर सकता है, रोज़ा भी रख सकता है। रख सकता है जी, उसमें उसकी वजह ये है कि वो ये हालत जो है वो उसके अपनी ज़ाती तौर पर ख़त्म करने वाली नहीं है, बल्कि इस्तरार की हालत में, मजबूरी की हालत में है, तो जो मजबूर है उसके लिए हद से निकलने वाला ना हो, गैरा बागिन वला आदिन, और ना जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम से उसके जहन में बगावत हो, तो वो शख्स जो है चूँकि मुस्तर है और ख़ुद हालत इस्तरार में है, तो इसलिए उसके लिए शरई अहकाम जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स। अच्छा, लेकिन उसको कंटिन्यूसली पानी भी पीना पड़ता है ताकि वो एक्टिवेट रहे, वो अगर वो ऐसी तो सूरत है तो मजबूरी है उसकी, वो ये भी मजबूरी है। लेकिन फिर फिदिया कैसे देगा? कंटिन्यू पानी पीना पड़ता है तो वो मजबूरी है। बीमारी की हालत में अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया देंगे, और उसको उसकी माली हैसियत ऐसी नहीं है कि वो फिदिया दे सके, तो ये भी मजबूरी की एक हालत है, यानी जो फिदिया नहीं दे सकता वो भी उसकी मजबूरी है कि नहीं दे सकता है वो फिदिया, तो अब ये कि अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी का खासगार भी रहे और अल्लाह ताला से जो है वो इस्तिगफार करता रहे। इसमें ना एक उसूली, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, ये जो सवाल है इसका जो छोटा सा जो बिट रह गया है जवाब का वो हम यहाँ से आपसे इसका जवाब चाहेंगे। देखते रहिए अदर रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस न्यूज़ पर, एक साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, ये सिलसिला यहीं से जारी है। ऐद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदे, जाने से पहले एक सवाल था जिसका जवाब अभी रास्ते में ही था, आधा हो गया था, आधा रह गया था, मैं आऊँगा। मैं नहायत इख्तसार से उसका जवाब अर्ज़ कर दूँ कि सवाल दो अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक का ताल्लुक़ है कि उन्हें बार बार पानी पीना पड़ता है, तो आया वो रोज़ा रखें ना रखें, तो भाई उसका ताल्लुक़ ये है कि अगर आप रोज़ा रख सकते हैं और पूरा दिन बग़ैर पानी के गुजार सकते हैं तो फिर तो रोज़ा रखें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो देखें कि आगे चांसेस हैं आपके बेहतर होने के या नहीं,
नहीं है तो आप खाली फिदिया दे दें, और अगर हैं तो इंतज़ार करें बेहतरी का और साल के दौरान किसी वक्त कर लें। और दूसरा हिस्सा भी कि वो उनको बैग लगा हुआ है तो मुसलसल जो है ना वो उनका यूरिन जो है ना वो आउट हो रहा है। तो ये सूरत जो है जिसमें इंसान को एक नमाज का वक्फ़ा भी ऐसा नहीं मिलता कि जिस दौरान में कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो रही हो, इसको फुकहा जो है ना इसको शरी तौर पर माजूर का नाम देते हैं, माजूर जैसे होते हैं। तो जो बंदा शरी तौर पर माजूर हो जाए उसके वजू और पाकी के अहकाम आम बंदे से बदल जाते हैं। इसका हुक्म ये है कि ये हर नमाज के वक्त में ताज़ा वजू करें, उसके बाद नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें, तिलावत करें, कोई हर्ज नहीं है। अगली नमाज तक अब इनको ताज़ा वजू करने की ज़रूरत नहीं और यूरिन बैग की वजह से इनका वजू नहीं टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम आएंगे अब रोज़ा कुशाई की तरफ। हमारे साथ हैं हफ्सा फैसल जो के हैं डिटॉल के काउंटर पे। हफ्सा ने बहुत कुछ अपने नीचे ऊंचा करने के लिए अपने आप को कुछ रखा हुआ है, इसलिए बहुत छोटी हैं और इनकी आज रोज़ा कुशाई है। ये डिटॉल के काउंटर पे हमें डिटॉल के साथ हाथ धोना सिखाएंगी, ये लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और हमारे साथ जो बाकी छोटे छोटे से कुछ बच्चे हैं जिनमें हैं मोहम्मद हश्याम कौन है? मोहम्मद हश्याम की आज रोज़ा कुशाई है। क्या उम्र है आपकी? हाँ, 8 साल। 8 साल के, बड़ा ज़बरदस्त रेड, ये मैं भी पहनूंगा 2-3 दिन बाद। मैंने ये कह दिया अपने डिज़ाइनर को किस रंग का मेरे लिए कुर्ता बनाए। और जनाब फातिमा है जी, फातिमा क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? 12। माशाल्लाह, फातिमा की भी आज रोज़ा कुशाई है। और वकास हैं, वकास अभी आपने किसने सेल्फी ली थी मुझसे? वकास ने ली थी ना, हाँ। ये वकास, अच्छा वकास यार, इतनी आज माशाल्लाह जो बच्चे आ रहे हैं उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, सारे नीली पीली खूबसूरत आंखों वाले बच्चे हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा। कौन, क्या एज है आपकी, उम्र क्या है आपकी? 10 साल। 10 साल के वकास हैं जिनकी आज रोज़ा कुशाई है। और अनस और शाहजेब तो मुझे भाई लग रहे हैं, है ना? क्या उम्र है आपकी? 11। आपने 13 में क्यों रखा, उन्होंने 11 में क्यों रख लिया है? 2 साल सार क्यों कर रहे थे? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के लिए। जामे शीरी की तरफ से और एक्सप्रेस की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप जब आप रोज़ा खोलेंगे तो उसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें हैं। मेरे लिए भी कुछ बचा दीजिएगा। महशर में क़ुरबे दावरे महशर मिला मुझे, महशर में क़ुरबे दावरे महशर मिला मुझे, ऐसा पयंबरों का पयंबर मिला मुझे। मैं वादिये हरम तक उसे ढूंढने गया, मैं वादिये हरम तक उसे ढूंढने गया, आवाज़ दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे। मुजफ्फर वारसी का खूबसूरत कलाम, आइए सुनते हैं कारी असदुल हक से। महशर में क़ुरबे दावरे महशर मिला मुझे, महशर में क़ुरबे दावरे महशर मिला मुझे, ऐसा पयंबरों का पयंबर मिला मुझे। मैं वादिये हरम तक उसे ढूंढने गया, उसे ढूंढने गया, आवाज दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे, आवाज दी तो अपने ही अंदर मिला मुझे। मांगे थे चंद फूल बहारें अता हुई,
अता हुई, जो कुछ मिला बिसात से बढ़कर मिला मुझे, जो कुछ मिला बिसात से बढ़कर मिला मुझे, मांगे थे चंद फूल बहारें अता हुई, जो कुछ मिला बिसात से बढ़कर मिला मुझे, कदमों में मुस्तफा के रहा जितने दिन रहा, कदमों में मुस्तफा के रहा जितने दिन रहा, परदेश में भी कितना हसी घर मिला मुझे, परदेश में भी कितना हसी घर मिला मुझे, ऐसा पयंबरों का पयंबर मिला मुझे। एक सुबह सी ठहर गई मेरे वजूद में, वजूद में जिस दिन से उनका इश्क मुजफ्फर मिला मुझे। क्या बात, देखते रहिए ऐदे रमजान, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. ها
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.